तो अबीरा तुम्हारे पास मौका भी था, दस्तूर भी था, तुम्हारे पास ऐसा शख्स है, ऐसा पति है जो तुम किसी भी हालत में किन्हीं भी चीज़ों को बताओगी, कैसे भी हालात बताओगी, नियम शर्तें बताओगी, तो वो तुम्हारी सारी बात को सुनेगा भी और तुम्हारे साथ सोच समझ के फैसला भी करेगा। वो तुम्हारे बारे में भी सोचता और यकीन मानो अबीरा वो तुम्हारे इस बच्चे के बारे में भी सोचता जो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि अरमान का भी है। लेकिन तुमने इस मौके दस्तूर और तुमने भरोसा तोड़ा अरमान का और तुम जो करवा चौथ का व्रत रखने का एक्टिंग कर रही थी अरमान के सामने, जो अरमान तुम्हारे लिए व्रत रखा हुआ है वो बिल्कुल खाना नहीं खाया, एक निवाला पानी नहीं पिया, आज तुमने उसके यकीन को तोड़ा। कोई बात नहीं, सारे घर वालों के सामने तुम्हारा पर्दाफाश हुआ, लेकिन अरमान के सामने तुम्हारा पर्दाफाश हुआ, अरमान का जो भरोसा है वो टूटा तुम्हारे ऊपर से। अबीरा तुम इसे कैसे जोड़ोगी? और यकीन मानो आज जो करवा चौथ का व्रत था उसमें जो पानी अपने पत्नियों के द्वारा चढ़ाया जाता, वो सारी चीजें रस्में जो पत्नियों को की जानी चाहिए वो सब कुछ अरमान ने किया और अरमान एक बहुत बड़ा फैसला भी सुनाया जिसके बाद शायद ये कहानी बदलने वाली है। और अबीरा अब अपनी प्रेगनेंसी की खबर को अरमान के सामने कैसे रखती है ये भी बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या कुछ होने वाला आने वाले एपिसोड में आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों अबीरा ने करवा चौथ का व्रत रखा ऐसा पूरा घर वाले सोच रहे और अबीरा को कावेरी पोद्दार ने खास बहू का दर्जा भी दे दिया। कावेरी पोद्दार ने घर की जो पुश्तैनी साड़ी है वो साड़ी सिर्फ और सिर्फ अबीरा को दी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस बात से रूही विद्या सारे लोगों को मिर्ची लगी थी, सारे लोगों ने मुंह फुला लिया था, लेकिन फिर भी कावेरी पोद्दार को अबीरा के ऊपर भरोसा था तो अबीरा को उन्होंने खास बहू का दर्जा दिया। और खास बहू का दर्जा देकर जब उन्हें शगुन दिया, ये साड़ी दी, तो अबीरा को इनका तो मान रख ही लेना चाहिए था। अब अबीरा प्रेग्नेंट है उसी वक्त वो बता देती तो शायद ये जो साड़ी है जो खास बहू का दर्जा है वो उसे मिलता, लेकिन सच्चाई के बुनियाद पे मिलता। लेकिन अबीरा ने अपने अंदर इस सच को दबाकर अबीरा ने कावेरी पोद्दार को तो धोखे में रखा, लेकिन अबीरा ने खुद को भी धोखे में रखा और आज ये रूही को अबीरा के खिलाफ मौका मिला तो रूही ने सारे लोगों के सामने, सरेआम सभी के सामने अबीरा का मजाक बना दिया, अबीरा को एक्सपोज कर दिया। और बेचारी अबीरा के एक्सपोज होने के बाद अबीरा सच बताने की कोशिश भी करे तो कोई नहीं सुनेगा, सारे लोगों का यही लग रहा होगा कि ये सही में खाने वाली लड़की है, खबड़ू है, हमेशा दिन रात खाने की बातें करती है, सभी को पता है, लेकिन एक व्रत भी नहीं रख पाई अरमान के लिए, यह बहुत बड़ी बात है। जो अरमान अपने परिवार को अबीरा के लिए छोड़ रहा है, जो परिवार के लिए, जो फर्म को छोड़ रहा है अबीरा के लिए, वो सारे लोगों के खिलाफ जाने के लिए रेडी है, उस अरमान के लिए अबीरा तुम व्रत नहीं रख पाई, ये बातें ना बहुत ज्यादा हिला देने वाली है। और यकीन मानिए इसी वजह से अब अबीरा के इस व्रत को तोड़ देने की वजह से या चोरी चुपके खा लेने की वजह से अबीरा के इमेज पर भी फर्क पड़ेगा। भाई सबसे पहली बात बताओ, अबीरा के फर्क पड़े ना पड़े, कावेरी पोद्दार ने डंके की चोट पर अबीरा के ऊपर भरोसा किया था, अबीरा को पुश्तैनी साड़ी दी थी, वो भरोसा भी अबीरा तुमने तोड़ दिया। कावेरी पोद्दार को वापस विद्या ताने दे रही है, ये मौका तुमने दे दिया है अबीरा, और जिस विद्या के खिलाफ जाकर अबीरा तुम्हें बहुत अच्छी बहू, एक गुणी बहू, एक अच्छी पत्नी का दर्जा तो दिलाना चाहती है कावेरी पोद्दार, तुमने वो सारे हकों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और यकीन मानो अबीरा जब तुम्हें सारी चीजें पता थी कि ऐसा हो सकता है तो यकीन मानो इस प्रेगनेंसी का सच तुम्हें एटलीस्ट अरमान को बता ही देना था, क्योंकि इस सिचुएशन में आकर यदि तुम्हें कोई बचाता, यदि तुम्हें कोई डिफेंड करता, यदि कोई तुम्हारे लिए आवाज उठाता तो वो अरमान ही था। लेकिन तुमने अरमान को भी ये चीजें नहीं बताई, ये सच नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं अबीरा तुमने बहुत गलत किया। चलो ये सारी चीजें तो हो गई कि गलत किया वगैरह, अब इस गलती को सुधारने के बारे में सोचते हैं कि भाई अबीरा अपनी इस गलती को सुधारेगी कैसे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। भाई सोचने वाली बात है कि अबीरा के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका बचा, वो है अरमान को सच बता देने का। करवा चौथ के बाद अबीरा अरमान को सच बताने वाली थी, ये अबीरा ने सोचा था, लेकिन बाय लक इतनी गंदी किस्मत है, रूही ने अबीरा को खाना खाते वक्त ही देख लिया और तस्वीर दिखाकर सारे लोगों के सामने प्रोजेक्टर में चला दिया, इसलिए अबीरा का भांडा फोड़ हो गया। लेकिन यकीन मानिए अबीरा दिल से सच थी, अबीरा अरमान को सच बताने ही वाली थी, लेकिन उसके पहले ये हो गया। लेकिन अब फिर से अबीरा अरमान को
सच बताने वाली है, जहां पर एक खास मीटिंग होगी, जहां पर ये लोग सभी लोग एक कैफे में आएंगे, जहां पर अबीरा अरमान को सच बताने वाली होगी, लेकिन वहां पे भी अबीरा अरमान को सच नहीं बता पाएगी। यानी अबीरा जिस सच को बताना चाहती है वो सच बताए हुए बातों के लफ्जों के द्वारा नहीं बल्कि अपने आप आ रहा है, क्योंकि अबीरा बेहोश हो जाएगी तो अरमान को वो सच पता चल जाएगा कि अबीरा प्रेग्नेंट है। यानी अबीरा ने अपने आप से सच नहीं बताया, ये भी अरमान ने कहीं ना कहीं एक तरीके से सिक्योर किया। अब अबीरा के जो सच अरमान के सामने आया तो अरमान ऐसा प्रिटेंड करेगा कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सच नहीं पता है, जो भी हो अबीरा खुद से बताएगी, अरमान इस बात का भी इंतजार करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अरमान को पता चल गया कि अबीरा खुद से बताना नहीं चाह रही है, क्योंकि अबीरा इस प्रेगनेंसी को किसी भारत में कंटिन्यू करना चाहती है, तो वो इंतजार कर रहा है कि कब तक अबीरा अपने अंदर इस बात को छुपा के रख पाएगी। अब बेहोश हुई है, उसके बाद उसकी हालत में जो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी चीजें उनको भी लेकर अरमान सोच विचार करेगा। और सबसे बड़ा सपना है अरमान का कि परिवार आगे बढ़े, अबीरा प्रेग्नेंट हो, हम दोनों माँ बाप बने। ये चीजें भी अरमान को कहीं ना कहीं बहुत सता रही है। उसकी माँ विद्या के साथ जो भी इन दिनों में तनाव चल रहे हैं, घर का माहौल जो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कावेरी पोद्दार की भी बेइज्जती हो रही है, दादी साहब को भी विद्या नहीं छोड़ रही है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अबीरा के प्रेगनेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब ऐसे में अबीरा की प्रेगनेंसी को यदि रिस्क में डालकर भी कंटिन्यू किया जाता है तो इस पूरे परिवार के हालत को, परिवार के समीकरण को, लोगों के बीच उलझनों को, रिश्तों को सुधारा जा सकता है। मनोज मनीषा इन सभी के कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है, सभी लोगों के साथ संबंध वापस मधुर बनाए जा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अबीरा के इस प्रेगनेंसी के बदौलत में। ये चीजें भी अरमान के दिमाग में घूमेंगी। लाजमी सी बात है कि अरमान के दिमाग में बातें घूमेंगी, लेकिन अरमान के दिमाग में शायद एक तरफ पूरी बातें घूमेंगी, पूरा दिमाग यदि एक तरफ ऑक्यूपाइड हो जाए तो इस तरफ का पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर ऑक्यूपाइड रहेगा कि अबीरा की जान चली गई तो, अबीरा को कुछ हो गया तो, अबीरा यदि इस बच्चे को कंटिन्यू करती है और मुझे वो सपने देती है और खुद अबीरा ना रही तो मैं किसके साथ जीऊँगा। तो इसीलिए अरमान के दिलों दिमाग में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आ जाएगा। वो ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा जहाँ पर यकीन मानिए वो खुद से फैसला नहीं कर पाएगा, और यदि वो खुद से फैसला नहीं कर पाएगा तो उसे कावेरी पोद्दार की मदद पड़ेगी, और कावेरी पोद्दार ही है जो इस फैसले पर असल में कोई ऐसा फैसला सुना सकती है, ऐसा विचार कर सकती है जो शायद कोई ना करे। अब ऐसे में उस फैसले का इंतजार मेरे को तो बेसब्री से, क्या आपको भी है इंतजार, और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या अरमान अबीरा को इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने देगा या नहीं करने देगा, आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और वीडियो को लेकर, शो के आने वाले एपिसोड को लेकर, करंट एपिसोड को लेकर, मौजूदा कहानी को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया हो, कोई भी ओपिनियन हो, सुझाव हो, सवाल हो, जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े यूं ही सारे अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, संबंध कायम रखिए टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ, यानी हमारे साथ। और यदि आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी में यूं ही इजाफा देखते रहना चाहते हैं तो इसे देखते रहिएगा जरूर स्टार प्लस पर, और एनी टाइम देखना हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्विच कर सकते हैं, जो कि कुछ दिनों में जियो सिनेमा के साथ शायद टाइप होने वाला है, ऐसी कुछ खबरें आने वाली है। और कहीं ना कहीं यदि आप चैनल पर आकर कहीं भी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो बेशक इस चैनल पर आ सकते हैं टाइम्स ऑफ मीडिया पर, और कभी भी अपने अपडेट्स को पा सकते हैं डीपली में, एनालिसिस के साथ, सटीक आंसर्स के साथ। और कहीं ना कहीं मैंने आज अबीरा और अरमान के जो प्रेगनेंसी का जो ट्रैक है उस पर छोटे छोटे एस्पेक्ट पे पूरी तरीके से मैंने आपको डीपली बताया। इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है और आप क्या सोचते हैं कि अबीरा और अरमान की इस प्रेगनेंसी से शो के टीआरपी में इजाफा आएगा, क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रैक है ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है, जो भी होगा कमेंट के जरिए जरूर बताएगा। और ये रिश्ता क्या गलत जुड़े ऐसे अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहे टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार जल्द ही एक और नए अपडेट के साथ होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।